ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अटैच ईच अदर की एक्टिविटी है। यहाँ तक है जो मैंने समझाई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड। डिफ्यूजन को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, सॉलिड। अब मैं आपके इसमें फिफ्थ क्लास पे या फोर्थ क्लास पे ही जाती हूँ, वो करना है। आपने पढ़ रखा है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा होता है। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स होने की वजह से अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के, कोई फ्रीडम नहीं होती, कोई मोशन नहीं होती, सिर्फ वो अपनी मेन पोजिशन पर ही मूव कर सकते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे वो मूव कर सकते हैं और कहीं मूव नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट है, सॉरी प्रॉपर्टीज आ गई, ये आगे का उसका मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है। आप मॉलिक्यूल्स मत लिखना अभी, आप पार्टिकल्स ही लिखना। क्या है सॉलिड का, सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। अब देखो हम इसे दबा नहीं सकते, क्यों नहीं दबा सकते, आंसर यहाँ है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो तुम उनको कहाँ पास पास लाओगे। तो जो भी ये प्रॉपर्टीज आएंगी ना, अगर इसका वाई पूछा जाता है तो इन्हीं तीन पॉइंट में से आपको इसका वाई लिखना है। अब सॉलिड्स डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, क्यों, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकते, ठीक है। जनरल हाई डेंसिटी, वो इसी की वजह से कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड फर्स्ट वाला और थर्ड वाला पॉइंट। तो इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को भी हम डिस्कस करेंगे दोबारा से, कम होता है डिफ्यूजन, सबसे कम होता है सॉलिड में, क्यों होता है उसका आंसर ये है। अब सॉलिड की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सब देख ली, सॉलिड की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। देखिए डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब सॉलिड को ब्रेक कर सकते हो अंडर फोर्स, लेकिन शेप चेंज करना मुश्किल होता है, टूट जाएंगे लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। अगर इनमें कोई भी वाई आता है तो वही ऊपर वाली जो मैंने बताई तीन पॉइंट्स उसका लिखोगे। अब ये देखो रबड़ बैंड, हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी तो शेप चेंज हो जाती है। अभी ऊपर हमने सॉलिड में पढ़ा कि हम सॉलिड की शेप चेंज, तो फिर रबड़ बैंड जो है वो सॉलिड है, क्यों है भाई वो सॉलिड। देखिए इनके आंसर एनसीईआरटी में है, समझा मैं देती हूँ। है क्या कि रबड़ बैंड जो है, आपने रख दिया रबड़ बैंड को, तो क्या उसकी अपने आप ही शेप चेंज हो जाती है, नहीं, उसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगती है उसकी शेप चेंज करने में। और जब हम उस शेप को रिलीज कर देते हैं, मतलब वो जब शेप हटा देते हैं, तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। मतलब ये कि उसकी शेप अपने आप चेंज नहीं होती, हम करते हैं। तो वो जब पढ़ा है हमने कि कुछ एक्सटर्नल नहीं छेड़ा, तब तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसलिए ये आपका आंसर है पूरा। नेक्स्ट देखिए, कहता है शुगर और सॉल्ट। अब हमने पढ़ा है कि सॉलिड जो है उसका शेप सेम है, जबकि लिक्विड में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जिस भी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेता है। तो जो सॉल्ट और शुगर है, अब हम उसे जार में डालते हैं तो वो जार की शेप ले लेती है, मैं उसे बाउल में डालूंगी वो बाउल की शेप ले लेगी, ग्लास में डालूंगी ग्लास की शेप ले लेगी, है ना। तो फिर क्या शुगर, सॉल्ट और शुगर सॉलिड है, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है फिर शेप, तो क्यों सॉलिड है। देखिए इसका आंसर ये है कि आप शुगर और सॉल्ट को इकट्ठा मत देखो, शुगर में आप शुगर के क्रिस्टल्स को देखो, इंडिविजुअल शुगर, एक एक दाना चीनी का, तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है हम डालते हैं, नहीं। जो इंडिविजुअल शुगर है या सॉल्ट है वो क्रिस्टल की चेंज शेप नहीं होती, वो तो वही रहती है, तो इसलिए वो भी सॉलिड है। अब एक आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट स्पॉन्ज। हम कहते हैं सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन स्पॉन्ज आपने देखा होगा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या कारण है कि भाई फिर वो सॉलिड है। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्यों, आप देखो स्पॉन्ज को अगर आपने देखा हो तो उसमें होल्स होते हैं, छेद होते हैं, एक रबड़ जैसा मटेरियल दिखेगा और उसमें एक छेद दिखेंगे, तो जब आप कंप्रेस करते हो तो उनके होल्स में जो एयर होती है ना वो बाहर आ जाती है, यानी वो एयर स्पेस ले रही है। अब वो एयर बाहर निकल गई तो उसी स्पेस में वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जो जिस पार्टिकल से जो बना है वो वाला पार्टिकल कंप्रेस नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है।
इसीलिए स्पॉन्ज जो है वो भी सॉलिड है। एक इस एक्टिविटी का आंसर आप ढंग से निकाल लेना।